आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में गुजरात पुलिस फंड्स में करोड़ों की खुर्दबूर का केस, साबिक डीपीओ एजाज अहमद समेत 11 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। जज सैयद नजमुल हसन की रुख्सत पर होने के 22 समात 12 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इसी पर बात करेंगे अरशद अली से। अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरात पुलिस फंड्स में करोड़ों करप्शन की केस की समाप्त हुई है। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन जो है वो रुख्सत पर होने के बाद केस में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तहम जो है वो डीपी जज ने केस की समाप्त करते हुए साबिक डीपीओ राय एजाज और कामराम समेत दीगर मुलजमान को 15 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी किए हैं और आइंदा समाप्त पर 12 अप्रैल को दोबारा जो है वो अदालत के रूबरू पेश करने के अहकाम फरमाए हैं। और अदालत ने यह भी कहा है कि आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करे। राय एजाज वगैरह पर दीगर मुलजमान पर जो है वो करोड़ों रुपए की रकम को खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है, जिसका बकायदा नैब हुकाम अब इसके खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। ठीक है, समाअत को भी मुलतवी कर दिया गया। अरशद, बहुत शुक्रिया आपका।